दोस्तों इंडियन स्मार्टफोन मार्केट मेनली दो हिस्सों में बटा हुआ है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। आज आप ये वीडियो देखते रहिए और मैं आपके साथ इसी बात को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों याद कीजिए, कुछ टाइम पहले तक आपने जो भी फोन लिया होगा वो कैसे परचेज किया होगा। आप गए होंगे अपने शहर में, अपने कस्बे में, जहां पे भी आप रहते हैं वहां पे किसी मोबाइल फोन शॉप पे, वहां पे जाके हो सकता है आपने डमी पीसेस को चेक किया होगा, हो सकता है आपने फोन को हाथ में लेके देखा हो, जाना हो, पहचाना हो और उसी के बाद में पेमेंट करके उस दुकानदार से उस फोन को परचेज किया होगा। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ सालों में ये जो ट्रेंड है ये बहुत हद तक बदल चुका है। आज के डेट में दोस्तों बहुत सारे फोन ऐसे आते हैं मार्केट में जो कि एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन मिलते हैं, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेंगे। जैसे मान लीजिए अगर Xiaomi है या OnePlus है या Lyco वगैरह है तो इनके फोन्स आपको लोकल मार्केट में मिलेंगे ही नहीं। और दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे फोन्स ऐसे हैं जो सिर्फ ऑफलाइन ही मिलते हैं, जो आपको ऑनलाइन देखने को नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा कुछ फोन्स दोस्तों यहां पे ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं और ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं। मान लीजिए फिर चाहे वो आईफोन हो, फिर चाहे वो HTC के फोन्स हो, फिर चाहे वो Samsung हो या LG हो, तो यहां पे दोस्तों बिल्कुल एक बहुत बड़ा मार्केट जो है ना पूरा बिखर चुका है कि जो चीज पहले एक समान तरीके से एक जगह पे की जाती थी आज उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब दोस्तों ऑप्शंस अवेलेबल होना कस्टमर के लिए बहुत ही अच्छी बात है, कंज्यूमर का फायदा होता है, लेकिन यहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है अगर मैं आपसे बात करता हूं वैल्यू फॉर मनी को लेके। दोस्तों आपने अक्सर देखा है कि मान लीजिए Redmi Note 3 है या Lyco का La 2 है, या फिर मान लीजिए Redmi 3S Prime है, या मान लीजिए OnePlus 3 है, या मतलब इस तरह दोस्तों जो भी फोन होते हैं जो आपको एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन मिलते हैं वहां पे आपको बहुत ही अच्छी कीमत में बहुत ही अच्छी वैल्यू मिलती है आपके पैसे की। आपने 10,000 रुपए का अगर एक फोन खरीदा तो आपको लगता है कि हाँ 10,000 में आपको बहुत कुछ मिल गया है। लेकिन दोस्तों फिर अगर आप कंपेयर करते हैं कुछ ऐसे फोन्स को जो मिलते हैं सिर्फ ऑफलाइन मार्केट में, फिर चाहे वो ओप्पो हो, चाहे वो वीवो हो, चाहे वो जियोनी वगैरह हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आप बहुत ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको अपनी प्राइस का, अपनी वैल्यू का उसका रिटर्न जो है वो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे चीज क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है? अब डिफरेंस देखिए, आप बहुत ही आराम से समझ सकते हैं कि जो मार्जिन हैं, जो कमीशन हैं, वो ऑनलाइन में सिर्फ एक चैनल होता है बीच में, मान लीजिए फिर चाहे वो Amazon है, Flipkart है, तो सिर्फ उनको पे करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करता हूं ऑफलाइन की, तो मान लीजिए पहले पूरे एरिया का या जोन का डिस्ट्रीब्यूटर होगा, फिर मान लीजिए आपके रीजन का होगा, फिर उसके ऊपर जो सप्लायर है वो होगा, फिर मान लीजिए आपके सिटी में कोई बड़ा डीलर है, या फिर ऐसे करते करते बेसिकली मान लीजिए 3-4 लेवल्स बन जाते हैं और हर एक के पास दोस्तों अपना अपना कट होता है। तो फोन की अगर बेस प्राइस मान लीजिए 10,000 है तो वो 10 से 11, 12, 13, 14, 15 होते होते आपके हाथ तक पहुंचती है। अब ये चीज आज तक होती आई है, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार होना शुरू हो गया तो हम थोड़े ऑकवर्ड फील कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्योंकि अब हमारे पास में ऑप्शन है, हम एक तरफ देखते हैं कि यार 15,000 का वो फोन है लेकिन फिर भी कुछ खास नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में 10,000 में आपको बहुत कुछ मिल रहा है। तो ऐसे में आगे क्या होना चाहिए, क्या यही डिफरेंस बना रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब क्या, मतलब एक जगह रहने वाला एक इंसान एक उस फोन के लिए देगा 15,000 जो उसको यहां से मिल रहा है और दूसरे फोन के लिए 10,000 जो यहां से मिल रहा है, और वो वाला बहुत अच्छा है, क्या ये चलता रहे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका दोस्तों सोल्यूशन क्या निकले या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो तो मुझे आप बताइए ही। मेरा ये मानना है कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ मान लीजिए मास मार्केट्स की, क्योंकि आज की डेट में भी जो ऑफलाइन मार्केट है दोस्तों स्मार्टफोन्स का, वो डोमिनेट करता है ऑनलाइन मार्केट को। तो ऐसे में अगर हम चाहें कि कुछ फायदा हो तो हम इन मार्जिन्स को कम कर सकते हैं। बात वही हुई कि आपने 10 पीस बेचे मान लीजिए 10% के हिसाब से, या फिर आपने अगर मार्जिन को कम किया लेकिन आपने पीस ज़्यादा बेच दिए, आपकी सेल्स बढ़ गई हैं, तो एट द एंड जो डीलर्स हैं या फिर जो शॉपकीपर्स हैं उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ब्रांड की सेल्स ज़्यादा हो रही हैं और आपको एट द एंड एक अच्छा प्रोडक्ट अच्छी कीमत में मिल जाएगा, पता नहीं वो भी होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे आप मुझे बताइए कि आपका क्या डिफरेंस रहता है, क्योंकि जब भी कोई नया फोन आता है ना तो उस टाइम भी वीडियो बनाते टाइम लगता है कि अच्छा ठीक है इस फोन में इतनी कीमत में ये है, ये है, ये है, कंपेयर करने का मन करता है, लेकिन फिर जब सोचता हूँ यार ये तो सिर्फ ऑफलाइन मिलेगा, यार ये तो सिर्फ ऑनलाइन मिलेगा, तो फिर लगता है कि यार क्या फिर कंपेयर करें तो मतलब कैसे।
अब एप्पल्स को एप्पल से कंपेयर करेंगे, एप्पल्स को ऑरेंजेस से कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन बनेगा नहीं, लेकिन फिर एट द एंड जो हमारे हाथ में नोट है वो तो सेम है, हमारे हाथ में जो फोन आएगा वो तो वही डब्बा आएगा, तो ऐसे में फिर हम प्राइस डिफरेंस को कैसे हजम कर लें? मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। और ऐसे में जो छोटे शहर हैं जहाँ पर डिलीवरीज नहीं हो पाती हैं, तो फ्लिपकार्ट या अमेजोन वगैरह को या जो भी अगर ऑनलाइन बड़े पोर्टल्स हैं जहाँ पर आपको फोन वगैरह मिलते हैं, उनको भी ये करना चाहिए कि वो आपके एरिया में डिलीवर करवा पाए, जिससे एक इंसान को सारे ऑप्शन अवेलेबल मिल जाए कि हाँ वो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, अब उसकी जो मर्जी होगी वो कर लेगा। ऐसा ना हो कि यार ऑनलाइन नहीं मिल पा रहा है इसलिए मजबूरी में ऑफलाइन लेना पड़ रहा है, या मान लीजिए ऑनलाइन पे भरोसा नहीं है इसलिए ऑफलाइन ले रहे हैं। तो आप दोस्तों इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या आपको ओपिनियन है? और ये जो मार्केट है पूरा बिखर चुका है, मतलब चार जगह जमे पड़े हैं सारे अड्डे, तो यहां पे आपका क्या मानना है आप दोस्तों नीचे बताइए कमेंट्स में। उम्मीद है कि आगे शायद कुछ मार्केट सुधरे, शायद हम कंज्यूमर्स के लिए, हम कस्टमर्स के लिए कुछ अच्छे ऑप्शंस निकले, हमको अच्छी कीमत पे अच्छा प्रोडक्ट मिले, और ऐसे ही चलता रहे सब कुछ, वरना 20,000 के अंदर भी कचरा बेचते रहेंगे लोग सिर्फ ऑफलाइन का नाम लेके, और आपको हो सकता है कम कीमत में भी काफी अच्छे फोन्स मिल जाएं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।